काकी, मुझे आज कुछ नया खाने का मन कर रहा है। जी हुजूर, मुझे भी मन कर रहा है। तो चलो हम शिकार करते हैं। हुजूर, मेरे लिए भी कुछ हड्डियाँ बचा के रख दीजिएगा, वरना आप तो सब खा जाते हैं, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। ठीक है चलो, पहले मैंने शिकार में मदद करो। राज, वो देखिए, इंसान जंगल के अंदर, शिकार खुद चल के शिकारी के पास आया है। हाँ चलो, कई दिनों से इंसान ने मांस नहीं खाया, चलो आज इन इंसानों का के पीछे कोई आवाज सुनाई दे रही है। मम्मी, हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है, यह तो हमारे जंगल में किसी जानवर का नहीं लगता, चलो देखते। अरे इंसान का बच्चा! क्या? इंसान का बच्चा? ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हमें एक झाड़ी के अंदर रोते हुए मिला। ओ ले 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 बेटा, रो मत, आज से तुम मेरे बेटे हो, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, चिंता मत करो, रात में कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। तो मैं भी देखता हूँ ये इंसानी बच्चा कब तक पलेगा। ओहो, बल्लू बघीरा मोगली को लेके कहाँ चले गए? जंगल में शेरखान का खतरा है, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए? महाराज वो देखिए, अकेला के पास आज कोई भी नहीं है, चलिए यही मौका है बदला लेने का। नहीं मोगली, तुम्हें जाना होगा, शेरखान तुम्हारे खून का प्यासा है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सरदार, पिताजी! हाँ मोगली, सरदार सही कह रहे थे, इंसानों के बस्ती में जाना ही पड़ेगा। इंसानों के पास ऐसा क्या है जो कि हमारे पास नहीं है? लाल फूल। यही लाल फूल है। अरे ये कौन था, इंसान या बंदर? ये तो हमारे मोगली। हाँ मैं लाल फूल लेके आ गया। इसलिए जल्दी? हाँ मैं लाल फूल लेके आ गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज आपका तो एक शिकार गया। हाँ, अभी मोगली की वाणी, उस मोगली की हालत भी मैं अकेले की तरह काटूंगा। शेरखान तू मुझे मारेगा, ये ले।
बहन के वो